नवाए इंसान NI न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान KK आजाद, आप देख रहे हैं NI न्यूज। अजीज दोस्तों, आज ये जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से मैं आपके सामने ये एक तस्वीर कशी कर रहा हूँ, और इस तस्वीर कशी का जो बुनियादी मकसद है, बुनियादी हदफ है, वो ये है कि आपको आज 12 रबीउल अव्वल के हवाले से मैं ये मंजर दिखा रहा हूँ। फैसला आपने करना है कि क्या इस्लाम हमें इन लवाजमात की ऐसी चीज़ों की इजाज़त देता है या नहीं। मैं कोई मुफ्ती या इस्लाम का मुबल्लिग नहीं हूँ कि मैं फतवा जारी कर दूँ कि ये गलत है या सही है। फैसला आपने करना, इस्लामी उसूलों को देख के करना है, क्या ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात थी या हमने अपने मन गढ़ंत चीज़ों को इस्लाम के सामने इस्लाम का नाम देके। एक क्रिश्चियन औरत कहती है कि मुझे, जब मैं इस्लाम की तालीमात का मतलब करती हूँ, जब इस्लाम की तालीमात का मतलब करती हूँ तो मुझे लगता है इस्लाम से सच्चा और हकानियत पर मबनी कोई दुनिया में मजहब नहीं। लेकिन जब मैं आज के मुसलमान को देखती हूँ तो दुनिया में, सोसाइटी में ढोल और तमाशे के अलावा इनके पास कोई सवाल नहीं। आइए आप बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे मजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर क्या नाम है आपका? बाबा जवेद शाह जमाल वाले। सर आज 12 रबीउल अव्वल के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम अल्लाह वालों को देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं वो अपने पाकिस्तान की तरफ खास ख्याल करें। 12 रबीउल अव्वल के हवाले से कौम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कौम अल्लाह की तरफ ध्यान दे, कौम अल्लाह की तरफ से भटकी हुई है। सारी कौम अल्लाह अल्लाह करेगी तो ये वबा जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि अल्लाह अल्लाह करना मुनासिब है लेकिन ढोल की थाप पे ये चीज़ें मुनासिब नहीं है, मजहब इस्लाम हमें इसकी इजाज़त नहीं देंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? मजहब इस्लाम नहीं, ये कलंदरी काम है। अपनी खुशी है ना, बाबा बुल्ले शाह सरकार देखें, बाबा शाह जमाल के देखें, वो जिंदा पीर है। ऐसे उनका यही धमाल अल्लाह की तरफ से, ये कलंदर की तरफ से, ये फकीरों का गिफ्ट है, ये ना रुकी है ना इसे कोई रोक सकता है। हमारा अल्लाह अल्लाह करने का यही तरीका है, 5 घंटे करें, 6 घंटे करें, हमारी यही नमाज है। जुम्मे को पढ़ते हैं, सुबह शाम पढ़ते हैं, ये हमारी खास नमाज। एक क्रिश्चियन औरत कहती है कि मैंने इस्लाम का मतलब किया तो मुझे इस्लाम से सच्चा मजहब दुनिया में नजर नहीं आया, लेकिन अब मैं मुसलमान के किरदार को देख रही हूं। आप मुझे, मैं इंटरव्यू नहीं कर रहा, मैं हाजिरी कर रहा हूं भाई, आप मुझे हाजिरी जी। नाज़रीन हम यहां पे मौजूद थे, आपने देखा यहां पर कलंदरी काम दुनिया में बोल की थाप पे, जिस तरह से आज हमारे बाजारात जिस पे कुछ इस्लाम को नेप पढ़ने वाले जो चेहरे हैं उस पे एतराज़ भी उठाते हैं। लेकिन मैं पहले कह चुका हूँ, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ कि मैं फतवा सादर फरमा दूँ। ये फैसला इस्लामी असूलों को मद्देनजर रखते हुए आपने करना है, और आप ही इस फैसले के सही जज हैं, मुनसिफ हैं, जो फैसला कर सकते हैं। तो हमारे साथ कुछ खवातीन हैं, हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि यहाँ पे ये लोग ढोल की थाप पे जश्न ईद मिलादुन नबी पे अपने अकीदत का आधार इस तरह से कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पे आ जाए? क्या हैदरी? मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं ढोल की बहुत दीवानी हूँ, यहाँ मैं खड़ी रहूंगी तकरीबन घंटा पर। हाँ जी, इधर करीब आइए जरा। इस्लाम में कुछ लोग इस चीज पे एतराज करते हैं कि ढोल की थाप पे अपनी अकीदत का इजहार करना जायज नहीं है, इस पे आप? इस्लाम में सबसे पहले दाफूत नहीं थी जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के जीत के आए थे, तो ये गुनाह नहीं है, ये खुशी का इजहार है जो हम बहुत मानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई, यहाँ पे ढोल की थाप पे अपनी अकीदत का इजहार किया जा रहा है, इससे आप क्या कहेंगे? ये फर्स्ट ऑफ ऑल हर बंदे का अपना एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस हिसाब से अपनी खुशी का इजहार करता है, तो हर बंदे का एक अपनी फील्ड है। अगर एक बंदा है वो महफिल से जाकर इजहार करता है
कोई बंदा होता है तो वो खानों को तकसीम करके अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। तो ये लोग हैं, इनका अपना टेस्ट है कि ये इस अंदाज में अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, तो ये इनसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। और जो लोग देखने वाले हैं उनके दिल में भी ये मोहब्बत जो है वो इंशाल्लाह हो रही है और नेक्स्ट टाइम इससे भी बढ़कर होगी। जी दोस्तों, आपने सुना ये नौजवान कह रहे थे कि ये लोग अपनी अकीदत का इजहार इस तरह से करते हैं, हमें इनसे नफरत की बजाय इनसे मोहब्बत और प्यार से पेश आना चाहिए, ताकि इस्लाम जो ग्रोहियत से हमें बचाना चाहता है हम उस ग्रोहियत से बच के इस्लाम जिस तरह हमारी किताब एक है, नबी एक है, हम यकजहती और प्यार और मोहब्बत का दर्द दे सकें। जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे। इस्लाम
इस्लामी असूलों को मद्देनजर रखते हुए आपने करना है और आप ही इस फैसले के सही जज हैं, मुंसिफ हैं, जो फैसला कर सकते हैं। मुझे अपने मेजबान एके आजाद को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। नवाए इंसान NI न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें।